मत मारो मत अरे मारो ब्रो रेड कर। प्यार मत करना भाई ओपी। तो वेलकम डीटी आर्मी, क्या हालचाल है आप सभी के कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट में ये भी बताना कि अगला नाम अपन कौन सा रखें। ऐसा नाम बताना जो कि 14 लेटर्स का हो, उससे बड़ा ना हो। मालूम पड़े एड्रेस ही लिख दिया, नहीं 14 लेटर्स का नाम होना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ के रैंडम की हंसी छूट जाए और खतरनाक खतरनाक मज़ेदार वाली रिएक्शन आए। तो प्लीज़ ऐसा नाम कोई सजेस्ट करो कमेंट में। अब बात करते हैं रैंडम गेम प्ले की, मतलब कि आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में आप लोग दो गेम प्ले देखने वाले हो। पहला होगा डुओ स्क्वाड, लेकिन मैं खेलूंगा सोलो स्क्वाड की तरह। दूसरा होगा रैंडम के साथ में, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार खतरनाक लोबी की गेम प्ले लाओ। तो भैया एस मास्टर एस डोमिनेटर की गेम प्ले ला रहा हूँ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इस टॉपिक पे अपन वीडियो के एंड में बात करते हैं, पहले यहाँ पे लैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन भाई को खतरनाक स्क्रीन शेक के साथ फिनिश करता हूँ। और हाँ गाइस, कल से आप लोग इरेंगल के गेम प्ले देखने वाले हो। आई नो कि आप लोग मिस कर रहे हो इरेंगल को, ये भी वैसे एक इरेंगल ही है लेकिन छोटा है। तो मैं सोचा हूँ कि कल से अपन बड़े वाले इरेंगल की गेम भी लाएं। यहाँ पे थोड़ी सी हेल्थ की कमी महसूस हो रही थी, तो फर्स्ट एड वगैरह लगाता हूँ। तभी देखता हूँ एक भाई साहब ऊपर से जंप करते हैं, मतलब कि रिकॉल होके आते हैं, लैंड करते हैं ऊपर। तो ये वाला नोक आपको कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर। मेरे को तो मज़ा आ गया था यार। यहाँ पे इन भाई को जैसे ही मारता हूँ उसके बाद मेरे को लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। इधर एक बंदा था सामने की तरफ जो कि किसी बोट को मार रहा था, और पीछे से एक बंदा हमारे टीममेट को नोक भी कर देता है। तो पहले उसको देखते हैं। तो नाम पड़ा इन भाई का। ये भाई फिर से रिकॉल होके आते हैं बदला लेने, लेकिन मैं फिर से नॉक कर देता हूं। अब इनके टीममेट सामने वाली झाड़ी के पीछे, झाड़ी तो किसी एंगल से नहीं लग रही, घास का ढेर बोल सकते हैं। हेलो। हाँ भाई, अरे आप तो खतरनाक रश कर रहे थे यार, मतलब लेफ्ट राइट मूवमेंट के साथ। सही है भाई, सही है। अरे कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन भाई बोल नहीं पाए। खैर, यहाँ पे लूट वगैरह करने वापस जैसे ही आता हूँ तभी एकदम से चलती हूँ मेरे ऊपर गोली। अब एक भैया को नॉक करके सीधा फिनिश कर देते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट से रश करें। और तभी सामने मतलब ऊपर की तरफ उनके पास एक और स्क्वाड आ जाती है जिनसे वो लोग लड़ने में बिजी थे, तो हम लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के रश मारते हैं। अब यहाँ पे ये भाई जंप करके आते हैं तो इनको हम नहीं मारते, मेरे को लगा अपनी डीटी आर्मी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था शायद से। हेलो ब्रदर, जानते हो क्या इनको? Yeah.
यह डीटीआर में नहीं थी, ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि ये जो आप बंदे देख रहे हो। मत मारो मत अरे मारो, ब्रो रेडी हो। बिपिन, चलो चलो चलो, जोन चलते हैं, जोन 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 जोन। इनसे हम बहुत बार पूछते हैं कि क्या आप हमको जानते हो, हम कौन है, एक बार नाम ले दो, लेकिन ये ऐसा कोई भी रिप्लाई नहीं देते जिससे कि हमको संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये हमको जानते हैं। तो मन में एक डाउट लेके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आते, सामने स्क्वाड हाउस में कुछ बंदे दिखाई देते हैं जो कि कर रहे हैं फायरिंग। अब दूसरा बंदा भी नॉक हो जाता, लेकिन एक आध गोली से बच गए। लेकिन कोई बात नहीं है, रश करते हैं। सामने रखता हूँ क्रॉस हेयर, जैसे ही क्लोज आता हूँ ऊपर से आती साउंड। और इसी के साथ ये वाली टीम हो जाती है खत्म। यहाँ से अब जो भी बंदे बचे हैं वो अपने टीम अप या मीटअप, जो भी है, मीटअप तो नहीं है, टीम अप वाले बंदे थे। तो इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या आप रैंक पुश कर रहे हो। वैसे पता तो चल चुका था कि ये हमको नहीं जानते। हाँ तो ये बंदा जैसे ही हाँ बोलता है, तो मैंने कि चलो ठीक है आप लोग ले लो, क्योंकि हम लोग ऐसे तो मारेंगे नहीं, तो हम लोग इनको चिकन डिनर दे देते क्योंकि अपने को रैंक पुश करनी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग निकलते आते बाहर। मैं ज्वाइन करता हूँ एक रैंडम टीम जो कि काफ़ी अच्छी होती है, जिसके प्लेयर काफ़ी अच्छे होते हैं, रिएक्शन भी होंगे, क्लचेस भी होंगे। तो बस इस वाले वीडियो को एंड तक देखो, मतलब कि गेम प्ले को देखो। रेडी नहीं कर रहा, निकल और भाई क्या हाल चाल, प्यार मत करना, खेलोगे ना? हाँ भैया, ठीक है कर रहा हूँ। एक स्क्वाड दिख रही है बस, नहीं हाँ अब दिख नीचे रही। जाके तीन चार आ जाते हैं। हाँ एक तो अपने तो बिल्कुल मैं पीछे नीचे ही है, वो घूम गए वो मिडल में नीचे वाले उतार रहा अपने। हूँ, मिडल उतार रहा हूँ अगर हो पाया तो। अरे नहीं यार हो पाया टेढ़ा हो गया, हो गया हो गया, मेरा नहीं हो गन पाया गन ना भाई गन। इनमें तो अच्छा अरे यार एक कमरा बंद, फटी एक का डब्बा, प्यार मत करना, पीछे आ जाना, वॉच आउट, पीछे हो पीछे। या कम कम, वेरी गुड। बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से नोक हुआ था, पीछे से एकदम से मारा था। तो इतना मैंने सोच लिया था कि एक बार रिवाइव हो जाऊं, उसके बाद बताता हूं इनको असली 1v1 की फाइट। यार श्रुतिका को क्यों मारा? क्यों भाई, सेटिंग करनी थी क्या? लो भाई फिर से मार दिया आपकी श्रुतिका को। मैं भी वेट कर रहा हूँ, कोई आए तो मैं भी गिरूँ। अब वो भाई शायद लैंड ही नहीं करेगा भाई, दूसरा टीममेट। यार मत करना, तो महंगी पार्टी है अभी, करो मैक्स। भाई ड्रिंक्स है क्या तुम लोग पे? ड्रिंक्स नहीं है ब्रो, हम तो बिना मेडिसिन के घूम रहे हैं, इसलिए मैं पर ड्रिंक्स नहीं है। क्या बात हुई भाई, 3 नंबर सब मार देगा क्या? 1 किल है मेरा भाई, मेरा 0 हो गया भाई। भाई वहां 2 किल चोरी हो गए मेरे, मेरा भी 0 किल है यार। एक काम करते हैं, 0 किल गेम खेलते हैं। रब का भाई वास्ता आपका तुम्हें। पिंगा ही है क्या? अरे प्यार मत करना। हाँ भैया, बस तुम अब किल मत करना, हमें भी करने दो। नहीं तभी उतर गए, आ रहे हवा के, आ रहे प्यार मत करना की और किल तमन्ना मत हमारे करना। मन में है
बहुत बंदे हैं भाई। वो मैं स्मोक के आर पार मार रहा हूँ, हैकर ना। बहुत प्यारा चार नंबर। पुश डाल लेते हैं, चलो मेरी तो बग्गी पंचर हो गई। थैंक यू भाई। वो रहा उस साइड है। एनिमीज अहेड। अरे किल चोरी कर लिया, प्यार मत करना भाई ने। बूम। बहुत प्यारा। ये कौन सी गाड़ी है? टेस्ला। इलोन मस्क। हाँ हाँ दिख गया दिख गया। वो रहा इस साइड है। अरे ये रहा, इसको देते हैं। रब का वास्ता भी है। जोन जोन से पिट, जोन से मरे गए। ओबे भाई एक बुलेट मार, मेरा भी हुआ है। भागो भागो भाई भागो, टेस्ला निकालो। सैनरॉक भी सही था यार। बंदा बैठो छोड़ो, मैं तो यही से घुस रहा हूँ। भालू नॉक क्यों नहीं हो रहा? बोसड़ी के अमर हैं। चलो ये भालू भाई नॉक ही नहीं हो रहा। मर बेटा भालू, तू रिवाइव दे दो भाई, मैं देखता हूँ। हाँ देर हम रिवाइव देते हैं, आप किल निकाल लो। और है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे एक टीम तो मार दी, लेकिन दूसरी टीम आ चुकी है। मैं कर देता हूँ थोड़ी सी बेवकूफ़ी, वो ये कि दूसरी टीम काफ़ी सही थी। मैं बिना हेल्थ लगाए इनके ऊपर कूद जाता हूँ, मतलब इनको मारने लग जाता हूँ, लेकिन भाई काफ़ी अच्छा खेलते हैं। मेरे को कर देते नोक, और यहाँ पे नोक होने के बाद हमारे एक नंबर भाई 1v3 निकाल देते हैं और करवा देते विनर विनर चिकन डिनर। अगर मैं वहाँ पे नोक नहीं होता ना गाइस, अगर मैं हेल्थ किट लगा लेता उसके बाद सारे किल शायद से मैं लपेट लेता। लेकिन कोई ना, कभी कभी हमको कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पर मैंने सीखा कि पहले रुक के हेल्थ किट लगानी चाहिए थी। चलो कोई ना, बाहर आते हैं, लेकिन उससे पहले भाई कुछ तारीफ करते हैं अपनी। प्यार मत करना भाई ओपी। भाई आप कॉम्पिटिटिव खेलते हो? नहीं भाई, मेरा एक यूट्यूब चैनल है। भाई चैनल का कौन सा नाम है आपका? मैं लिख रहा हूं, डीटी गेमिंग। वीडियो बनाते हो? हां भाई। कॉम्पी वॉम्पी में कुछ नहीं है आपका? नहीं भाई, अभी तो यूट्यूब ही देख रहे हैं, कॉम्पी का भी सोचा नहीं है, अभी यूट्यूब करेंगे बस। बिल्कुल भी आ गया डीटी गेमिंग, सब्सक्राइब कर देंगे भाई। ओके भाई, बाय ब्रो। देख रहे हो क्या भाई चैनल? अभी नहीं तो नहीं देखा, देख लेंगे, अभी कर देंगे सब्सक्राइब। अब ये लोग सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप लोग जरूर कर लेना प्लीज गाइज। अगर वीडियो मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे कल, लेकिन उससे पहले बात कर रहे थे अपन कॉन्करर वाली लोबी की। मतलब कुछ कमेंट आ रहे हैं दो चार कि भैया कॉन्करर लोबी के गेम प्ले लाओ, मतलब और हाई लाओ। तो देखो यार, ऐसा सीन है कि कॉन्करर एक अलग दुनिया है। उधर अगर आप खेल रहे हो ना, तो आपकी मेंटेलिटी, आपका गेम पूरा बदल जाएगा। जो अभी मेरा गेम है वो पूरा बदल जाएगा, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और मैं नहीं करना चाहता वो चीज़। एक दो बार कर चुका हूँ कॉन्करर, तो इसलिए मेरे को पता है क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स है। और अभी अपन गेम प्ले ला तो रहे हैं, एस के ला रहे हैं, क्राउन के ला रहे हैं, एस मास्टर। अभी मैं रैंडम के साथ भी खेलता हूँ, तो कुछ रैंडम एस मास्टर डोमिनेटर के आते हैं, तो उनके साथ भी खेलता हूँ और आपको गेम प्ले दे रहा हूँ। मेरा फोकस तो एंटरटेनमेंट पे, और ऐसा नहीं कि मैं खुद को प्रो दिखा रहा हूँ भयंकर तरीके से। खुद को प्रो नहीं दिखाना कभी, क्योंकि बहुत ही खतरनाक प्लेयर्स यार, मेरे को पता है। अपन तो बस इतना अच्छा खेल लेते हैं कि अपना काम हो जाए, गेम प्ले निकल जाए और रैंडम के रिएक्शन आ जाए, बस इतना ही काफ़ी है। तो चलो गाइज, मिलते किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, लाइक वाइक करना है, अपनी फैमिली का और अपना ध्यान रखना है। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।